कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लगातार लोगों को जागरूक कर रही है हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरुचि पांडे। दरअसल पटना की सुरुचि पांडे लोगों में जागरूकता का अभियान चला रही है। आज भगवान के तौर पर लोग उन्हें जान रहे हैं, एक भगवान से। ऐसे ही हमारी मुलाकात हुई। कोरोना संकट के घड़ी में संक्रमण की परवाह किए बिना कैसे लोगों को मदद कर रही है, हमारे ए टू जेड न्यूज लाइव संवाददाता गोविंद पांडे ने उनसे बातचीत की और पूछा कि कैसे हिम्मत जुटा रही हैं और लोगों के बीच में जाकर मदद कर रही है। उन्होंने अपने राज की बात बताई और बताया कि इस कोरोना संक्रमण के संकट में लोगों की सेवा करते हुए उनमें कैसे जज्बा बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरुचि पांडे। मैं बाई प्रोफेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं पैनकार्डिया हार्ट सेंटर जो कि चौक पटना सिटी में स्थित है वहाँ पे कार्यरत हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि COVID-19 एक वैश्विक महामारी है और इससे बचने के हमारे जो उपाय हैं वो काफ़ी सरल हैं, लेकिन हमको उसको अपने हैबिट में लाना होगा। उसके बचने के उपाय हैं, सबसे पहले आपको फेस पे मास्क पहनना है। मास्क जो है वो आपको, कभी भी आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपको मास्क पहनना है। दूसरा है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो आप कहीं पर भी रहें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तीसरा है कि आप अगर घर से बाहर में हैं तो आपको सैनिटाइजर यूज करना है, हैंड को बार बार सैनिटाइज करना है। और अगर आप घर पे हैं तो फिर आपको साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक लगातार आपको हाथ धोना है। और आपको चौथा है कि कोई भी सामान आप घर से अंदर ला रहे हैं, घर में अगर ला रहे हैं बाहर से सब्जियां हैं या फिर दूध के पैकेट्स हैं या कुछ भी जो बाहर से सामान आप खरीद के ला रहे हैं, उसको बिना सैनिटाइज किए, मतलब बिना साबुन पानी से धोए, उसको कोशिश कीजिए घर के अंदर नहीं लाने का। और दूसरा है कि जो आप घर से बाहर, अगर आप जा भी रहे हैं तो चप्पल कोशिश कीजिए कि घर के बाहर ही रखने का, घर के अंदर नहीं लाने का। और कहीं से भी बाहर से अगर आप आते हैं अंदर तो आपको एक बार वॉश, मतलब आपने आपको नहाना है, वॉशरूम में जाइए और पूरा नहा लीजिए। तो उससे क्या है कि आप वायरस से संक्रमण से काफी हद तक बच जाएंगे। इसके लक्षण देखिए, अभी क्लासिकल लक्षण नहीं भी आ रहे बहुत सारे लोगों में, लेकिन अगर आप बोलेंगे लक्षण तो क्लासिक लक्षण इसका ये है कि आपको काफी तेज बुखार होता है, इसमें सूखी खांसी होती है और आपको सांस फूलना भी हो जाता है। तो अब इसके जो है कई बार देखा गया है कि अभी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर भी सोसाइटी में आ गए हैं जिससे कोई लक्षण नहीं है, लेकिन अगर उनका टेस्ट किया जाए तो उसमें कोरोना वायरस की पुष्टि पाई जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हार्ट वाले पेशेंट जो होते हैं उनमें, और दूसरा कि जो पेशेंट जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी जो है लो है, उनमें इनका संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपना जो रिस्क फैक्टर है, बीपी है, शुगर है, ये सब को काफी कंट्रोल में रखें। लॉकडाउन में है, घर पे डाइट का खासकर इस्तेमाल रखना है। आपको डाइट में ज्यादा तेल मसाला ये सब नहीं खाना है, घर पे ही हल्का फुल्का व्यायाम बिल्कुल करते रहना है। और अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, पॉजिटिव सोचना है। और दूसरा है कि आप बिल्कुल इन सब जो भी आपके डॉक्टर हैं, जैसे ये पैनकार्डिया हार्ट सेंटर है, यहाँ पे हम लोग ECG, इको, फॉल्टर सब कुछ कर रहे हैं। कोई भी आपको तकलीफ होती है तो आप आइए, कंसल्टेंसी लीजिए, डॉक्टरों के संपर्क में रहिए। और बाकी जो जो भी आपने मैंने आपको बताया प्रिकॉशंस अगर आपको लेते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, संदेश बस एक ही है कि कोरोना जो है उससे हमें लड़ना है, उससे डरना बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा, आप कोरोना के साथ हम लोगों को जीना सीखना है, क्योंकि ये जो है बीमारी 1-2 महीनों में खत्म नहीं होगी। ये बीमारी जैसे बाकी वायरल इलनेस है, जब तक कि इसका वैक्सीन नहीं आ जाता है हम लोगों को इसके साथ बिल्कुल जीना सीखना चाहिए। तो हम लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है और जो भी तरीके हैं जैसे फेस मास्क का इस्तेमाल करना, लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, अपने हाथ को सैनिटाइज रखना, ये 3 तरीकों अगर आप इसका पालन करते हैं तो डेफिनेटली आप इस बीमारी के संक्रमण से बचेंगे। और दूसरा है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मेडिकल इलनेस है क्रॉनिक, अगर आप बीपी के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, अगर आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, पहले से एंजियोप्लास्टी हो रखी है या पहले से बाईपास ऑपरेशन हो रखा है, तो आप अपने डॉक्टरों के संपर्क में आते रहें। आप कोशिश कीजिए ये सारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में रखने का। और बाकी जो है घर से बाहर बहुत लिमिटेड अमाउंट में ही आपको निकलना है, ज्यादा नहीं निकलना है। लॉकडाउन का बिल्कुल पालन करना है और जो भी गवर्नमेंट आपको बता रही है रूल्स उसको फॉलो करना है। इससे जो है संक्रमण का खतरा जो है काफी कम हो जाएगा और बिल्कुल हम लोग इससे सफल होकर निकलेंगे। तो मेरी तो बस यही आपको मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि बिल्कुल डरना नहीं है और हम लोग सब लोग सारे डॉक्टर्स आपके साथ में हैं। कोई भी तकलीफ हो आप लोग संपर्क करिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। पटना में बी सिंह एंड सन्स इंटरप्राइजेस के द्वारा पटना सिटी के गुरहट्टा स्थित गिरजा हॉस्पिटल जनानी गेट्स के समीप आई डेंटिस्ट I3 में सैनिटाइज चेंबर लगाया गया है।
आई डेंटिस्ट के दंत चिकित्सक डॉक्टर वैभव मुकुंद का बताना है कि यह पटना सिटी में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई क्लिनिक है जहां इस तरह का सैनिटाइज चेंबर लगाया गया है। उन्होंने हमारे ए टू जेड न्यूज लाइव संवाददाता गोविंद पांडे से बातचीत की और इसके बारे में विस्तार से बताया। जी, यह सैनिटाइजर टनल हम लोग ने इंस्टॉल किया है आई डेंटिस्ट में। इसका कारण ये होता है कि कोई भी पेशेंट अभी कोविड में जो आ रहा है वो पेशेंट, उसको वो डिसइनफेक्ट कर देता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बीआरसी एंड सन्स के द्वारा जो लगाया गया है, इसमें जो सॉल्यूशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ह्यूमन फ्रेंडली है। आजकल आप देख रहे हैं ना, डब्ल्यूएचओ ने निकाला है किसी तरह का जो है स्प्रे किसी पे भी ह्यूमन पे स्प्रे नहीं करने के लिए, क्योंकि सोडियम हाइपोक्लोराइड और बाकी सारे स्प्रे जो है ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। तो इसमें जो सॉल्यूशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ है और ये बहुत हद तक जो है बैक्टीरियाज और वायरस को मार देते हैं। आपके यहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं उनके किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है? पेशेंट जब हमारे आते हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि सैनिटाइजेशन टेबल से गुजरते हैं, जिससे जो है बैक्टीरिया के क्लिनिक में घुसने की जो परसेंटेज वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उसके बाद जब अंदर आते हैं तो उनको हम लोग सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, जिससे उनका हाथ जो है डिसइनफेक्ट किया जाता है, उनका टेम्परेचर जो है चेक किया जाता है, पल्स ऑक्सीमीटर से उनका पल्स जो है वो चेक किया जाता है, उसके बाद मास्क देकर ही उनको अंदर इंटर किया जा रहा है। अन्य लोगों को हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जैसा आप देख रहे हैं आने वाले पिछले 3-4 दिनों से बिहार में जो है पटना में खास करके जो है पेशेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं कोविड के, कृपया करके अपनी सुरक्षा स्वयं करें, ज़्यादा से ज़्यादा बार हाथ धोएं और बाहर जो सोशल डिस्टेंसिंग जो है हमेशा मेंटेन रखें। अगर कार्य नहीं हो तो बाहर ना निकलें।